A very good morning, my dear students. Now, in today's Hindi class, we'll start with the new lesson, lesson number 18, Danveer Kahn. ठीक है, ये आपकी बुक में दिया है पेज 90 में. पेज 90 आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा पार्ट 18, दानवीर कर्ण. ठीक है, इस पार्ट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इस पार्ट में हम दानवीर कर्ण के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने आप सब ने महाभारत की कथा के बारे में सुना होगा. तो महाभारत की कथा में एक पात्र था जिसका नाम था कर्ण, और कर्ण किस प्रकार दानवीर था, वो अपनी चीज़ें किस तरह दान करता था बिना कुछ सोचे कि उससे कितना आघात हो सकता है, या वो कितने उसको कितना घाटा हो रहा है, उस चीज़ से कितना आघात हो रहा है, ये सब चीज़ें बिना सोचे हुए अगर उसने किसी को वचन दिया है तो वो अपने दान देने से कभी पीछे नहीं हटता था. चलिए, महाभारत काल की बात है. कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध चल रहा था. कौरवों के सेनापति महारथी कर्ण थे. अर्जुन और कर्ण के मध्य घमासान युद्ध चल रहा था. अचानक कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धस गया. कर्ण रथ से नीचे उतरे और धसे हुए पहिए को निकालने का प्रयास करने लगे. तो क्या बताया गया, ये मध्य भारत काल की बात है कि कौरवों और पांडवों के दो साइड थे, कौरव की साइड थी और एक पांडवों की साइड थी. कौरव की साइड में कौन थे? दुर्योधन थे, दुशासन थे, जो बुरे लोग थे वो सबके साइड थे, कौरवों के साइड में थे. और दूसरी जो सेना थी वो थी पांडवों की सेना, जो उसमें कौन थे? अर्जुन थे, युधिष्ठिर थे, भीम थे और श्री कृष्ण थे. तो क्या हो रहा था, कौरवों और पांडवों के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध हो रहा था. और दोनों के जो कौरवों के जो सेनापति थे वो कौन थे? महारथी कर्ण थे. और पांडवों के सेनापति में कौन थे? अर्जुन थे. तो अर्जुन और महारथी कर्ण जो थे उनके बीच में बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा था. और अचानक युद्ध के मध्य में अचानक क्या हुआ, जो महारथी कर्ण थे उनका जो रथ का पहिया था वो किस में धस गया? जमीन में धस गया. अब जमीन में धस गया तो उनका रथ आगे बढ़ नहीं पा रहा था. तो महारथी कर्ण थे वो क्या किया, उन्होंने रथ से वो नीचे उतरे और अपने पथ जो उनका रथ था उसके पहिए को जमीन से निकालने की कोशिश करने लगे. तभी श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर अर्जुन ने कर्ण को एक ऐसा बाण मारा कि वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े. अपने गुरु परशुराम द्वारा दिए गए श्राप के कारण महारथी कर्ण अपनी धनुर्विद्या भूल गए और अर्जुन के बाणों का सामना नहीं कर सके. अब क्या हुआ, क्योंकि उनके रथ का पहिया जमीन पर धस गया था तो वो नीचे उतर के रथ के पहिए को निकालने का प्रयास करने लगे. अब जब वो नीचे आ गए, अपने रथ से उतर चुके, तो उन्होंने अपने बाण सब साइड में रख दिया था. तो उसमें जो अर्जुन थे, श्री कृष्ण ने उनको आज्ञा दी कि तुम क्या करो इस समय, क्योंकि महारथी कर्ण जो है वो अपने पहिए को निकालने में व्यस्त है, उनके पास उनके कोई भी शस्त्र नहीं है, तुम बहुत ही आसानी से उन पर वार कर सकते हो. तो जैसे ही अर्जुन को श्री कृष्ण की आज्ञा मिली तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एक बाण चलाया और वो बाण क्या हुआ, श्री महारथी कर्ण को जाके लगा और वो जमीन पर गिर गए. क्योंकि जो परशुराम जी थे, जो महारथी कर्ण के गुरु थे, जिन्होंने उनको धनुर्विद्या सिखाई थी, जब उन्होंने, क्योंकि महारथी कर्ण ने परशुराम जी से झूठ बोल के उनसे विद्या प्राप्त की थी, तो महारथी कर्ण को परशुराम जी ने क्या किया था, श्राप दिया था कि अगर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय भी आएगा जब तुमको इस विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, उसी समय तुम इस विद्या को भूल जाओगे. अब क्योंकि इस समय महारथी कर्ण को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अपनी विद्या की, कि वो अर्जुन के प्रहारों का जो है उनको ना सहकर उनका उसको अपोज उसको मार सकें, तो क्या हुआ, वो जितनी भी उनके पास धनुर्विद्या थी वो सब क्या हो गई, वो भूल गए, क्योंकि उनको परशुराम जी से श्राप मिला था. तो वो उस समय कोई भी उन पर प्रहार नहीं कर पाए और जमीन पर गिर गए. अत्यधिक घायल होने के कारण वे मरणस्थ अवस्था में युद्ध भूमि में पड़े हुए थे. महावीर कर्ण की दानशीलता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी. उनके द्वार पर आया भिक्षुक कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता था. श्री कृष्ण ने कर्ण की दानशीलता की परीक्षा लेने का विचार किया. वे अर्जुन से बोले, अर्जुन चलो अब यह देखें कि कर्ण वास्तव में कितने दानी है. अब क्या हुआ, क्योंकि कर्ण को बाण लग चुका हुआ था, वो मरण की स्थिति में, मतलब बिल्कुल मरने की स्थिति में जमीन पे पड़े हुए थे. अब जो महारथी कर्ण थे तो पूरी जगह, पूरे संसार में उनके बारे में ये चीज़ बहुत मशहूर थी कि अगर कोई भी भिक्षुक उनसे भिक्षा लेने आता, फिर चाहे वो भिक्षा में उसे कुछ भी मांग ले, वो कभी भी देने से इनकार नहीं करते. इसलिए वो दूर दूर तक अपनी दानवीरता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे. तो जो श्री कृष्ण जी थे, उन्होंने अर्जुन से कहा कि चलो अर्जुन अब आज एक काम करते हैं कि हम कर्ण की दानशीलता, वो कितने बड़े दानी हैं, इसकी परीक्षा लेते हैं. फिर क्या हुआ, अर्जुन और श्री कृष्ण ने साधुओं का वेश धारण किया और महारथी कर्ण के पास जाकर बोले, दानवीर कर्ण हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो.
कर्ण ने कहा, मैं इस समय युद्ध भूमि में घायल पड़ा हूँ, इसलिए आपको यहाँ भोजन करा पाने में असमर्थ हूँ। हाँ, मेरा एक दांत सोने का है, वह मैं आपको दे देता हूँ, उसे बेचकर आप भोजन का प्रबंध कर ले। अब क्या हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण और अर्जुन ने आपस में विचार किया, उन्होंने बोला कि चलते हैं, आज हम दानवीर कर्ण का क्या करेंगे, परीक्षा लेंगे कि वो कितने बड़े दानवीर हैं। तो श्री कृष्ण और अर्जुन ने क्या किया, साधुओं का वेश धारण किया, और वेश धारण करके कहाँ गए, दानवीर कर्ण के पास गए। और दानवीर कर्ण से उन्होंने बोला कि हमें बहुत भूख लगी और हमें खाने के लिए आप कुछ भिक्षा दीजिए। इस पे दानवीर कर्ण ने उत्तर दिया कि ऋषि मुनि, मैं क्या हूँ, अभी मैं युद्ध भूमि में पड़ा हुआ हूँ, घायल हूँ, और मैं इस अवस्था में नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ भोजन के लिए दे सकूँ। हाँ, लेकिन मेरे जो दांत हैं उसमें एक दांत क्या है, सोने का है, मैं वो आपको निकाल के दे देता हूँ, आप उसको बाजार में जाके बेच के अपने भोजन का प्रबंध कर सकते हैं। इस पे क्या हुआ, इतना कहकर कर्ण ने पास ही पड़े एक पत्थर से अपने सोने का दांत तोड़कर साधु वेशधारी अर्जुन और श्री कृष्ण को दे दिया। तब बोलकर महारथी कर्ण थे, उन्होंने बाजू में पड़ा एक पत्थर उठाया और अपना सोने का दांत निकालकर किसको दे दिया, अर्जुन और श्री कृष्ण, जो साधु की वेश धारण करके आए थे, उन्हें वो दांत दे दिया। जब अर्जुन और श्री कृष्ण ने महारथी कर्ण के इस महान त्याग को देखा तो उनकी आंखों से स्वतः ही अश्रु बहने लगे, वे अपने वास्तविक रूप में आ गए और श्री कृष्ण कर्ण से बोले, धन्य हो कर्ण, तुम्हारे जैसा दानी ना तो अब तक हुआ है और ना ही आने वाले युगों में होगा, तुम अनंत काल तक दानवीर महारथी के रूप में जाने जाते रहोगे। अब क्या हुआ, जैसे ही महारथी कर्ण ने पत्थर से अपना सोने का दांत निकालकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को सौंपा, तो ये चीज़ देखकर उन दोनों की आंखों से खुद ही क्या बहने लगे, आंसू बहने लगे, और उन दोनों को इस चीज़ को फील हुआ, उन्हें ये महसूस हुआ कि असल में जो दानवीर कर्ण है वो ऐसे ही प्रसिद्ध नहीं है, वो एक्चुअल में इतने बड़े दानी हैं कि वो किस भी अवस्था में हो वो दान देने से कभी पीछे नहीं हटते। तो उसके बाद दोनों अपने अपने जो उनके वास्तविक रूप था उस वास्तविक रूप में आए और श्री कृष्ण ने कर्ण से बोला कि कर्ण, तुम जैसा दानी ना तो कभी हुआ है और ना ही आने वाले युगों में कभी होगा, तुम हमेशा इस संसार में एक बहुत बड़े दानवीर के रूप में जाने जाओगे। और ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर वहाँ से चले गए। ठीक है, तो क्या कहानी इस चैप्टर में हमने पढ़ा, इस चैप्टर में हमने दानवीर कर्ण के बारे में पढ़ा कि किस तरह से मरण स्थिति में होने के बाद भी वो दान देने से पीछे नहीं हटे और किस तरह उन्हें दानवीर कर्ण के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पाठ 18 दानवीर कर्ण पढ़ा है। अगली क्लास में हम इस चैप्टर के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, आज का आपका होमवर्क है बच्चों कि आपको इस लेसन को घर में रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स।